टू ऑल माई सेल्फ राधिका, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। तो आज हम एसटीएम में हमने बहुत सारी कोडिंग ला के देखा है, अंडरलाइन कैसे करते हैं, कलर कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट कैसे हम एसटीएम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं ऑर्डर लिस्ट होता क्या है, ऑर्डर लिस्ट से क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट से हमारा जो भी काम होता है वो सीक्वेंस में आता है। हम जानते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में अंतर क्या है। ऑर्डर लिस्ट में हमारा जो भी पॉइंट्स होगा वो हमारे जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो हमारे ऑर्डर में आएगा, नंबर्स में आएगा, 1, 2, 3, 4 या फिर हमारा ए बी सी या फिर हम रोमन नंबर में इसको लिख सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में जो भी हमारा सीक्वेंस में आ रहा है वो सीक्वेंस में नहीं आएगा, वो पॉइंट्स में आएगा। जैसे पॉइंट हो गया, स्टार हो गया, ये हो गया, ये अनऑर्डर लिस्ट में होता है। HTML डॉक्यूमेंट के लिए हम पहले HTML लेते हैं, उसके बाद हेड लेते हैं, उसके बाद टाइटल, जैसे मैंने ले लिया लिस्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर मैंने टाइटल बंद कर दिया, उसके बाद हम हेड क्लोज कर दिया, फिर बॉडी ओपन किया, उसके बाद हमने H1 लिस्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर H1 क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने OL लिया। OL होता है ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हमने LI लिया। LI की मदद से जो हमारा जो भी हमारा प्रोग्राम होगा, लिस्ट होगा, वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आएगा। और फिर हमने LI बंद कर दिया, LI क्लोज कर लिया, सब में हमने यही किया। उसके बाद हमने OL क्लोज किया, उसके बाद हमने बॉडी क्लोज किया, उसके बाद HTML क्लोज किया। तो हम इसके बाद हमने जब सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम इसको रन कराएंगे तो हमारा, जैसे हमने यहाँ पे टाइटल लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल हमारा क्या आया था, लिस्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने यहाँ पे लिया हेडिंग, तो हेडिंग आ गया हमारा लिस्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे हमने लिया था अपना OL लिया था हमने, तो हमारा पूरा OL आ चुका है। और जब भी हम HTML को डॉक्यूमेंट कोई बनाते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी हम अगर टैग खोलते हैं तो वो क्लोज ज़रूर हो। हम HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो एक एक्सटेंशन पॉइंट HTML, तो हम अपना नाम देख के उसके बाद हम पॉइंट HTML, अगर हम ये एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो अदरवाइज हमारी फाइल रन नहीं करेगी, सेव नहीं होगी। थैंक यू।